हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मिक्स वेज, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी है और एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल से बनाएंगे हम इसको। तो उसके लिए देखिए, मैंने आलू, गोभी, शिमला मिर्च, बीन्स ये सब लेके और 2 चम्मच तेल लिया एक लोहे की कढ़ाई में, और हम इनको भूनते रहेंगे। इसमें ऐसे चला चला के भूनेंगे और इतना भूनेंगे कि मतलब 90% पक जानी चाहिए ये सब्जी। भूनते रहते हैं इसको इस तरह से। और भी सब्जी ले सकते हो आप जो आपको पसंद हो, गाजर भी डाल सकते हो इसमें, मटर भी डाल सकते हो। ऐसे ही करके हमें ये भून लेना है, लगना नहीं चाहिए ये ध्यान रखना है, बीच बीच में ऐसे चलाते ही रहना है। अब एक दूसरे बर्तन में हम क्या करेंगे, तेल गरम कर लेंगे। तो उसमें भी मैंने 2 चम्मच तेल डाल के गरम कर लिया। अब क्या करेंगे, इसमें 1 तेज पत्ता, दालचीनी और जीरा डाल देंगे, और मैंने यहाँ 3-4 प्याज चॉप किए हैं चॉपर में बारीक, इसको भी डाल देंगे। इसको भी हम भूनेंगे, गोल्डन ब्राउन करेंगे इसको, प्याज को। और एक हरी मिर्च भी डाली है हमने इसमें। अब क्या करेंगे, हम 3-4 टमाटर लेंगे और उनको ग्राइंड कर लेंगे, और हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट भी लिया है हमने, वो भी बना लिया मतलब मिक्सी में। अब ये देखिए, प्याज हमारे सॉफ्ट हो गए, तो अब ये पेस्ट डाल देंगे हम इसमें। हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट है ये। अब इसको भी पका लेते हैं इस तरह से। इधर देखिए, हमारी सब्जी पे कलर आने लग गया ब्राउन ब्राउन सा, यानी ये अच्छे से पक रही है। अब ये देखिए, मसाला ये भुन गया हमारा। अब इसमें क्या करेंगे, हम ये टमाटर का पेस्ट भी डाल देंगे। अब इसको भी चलाएंगे अच्छे से हम, और बहुत ही टेस्टी बनती है ये और बहुत ही जल्दी बनती है। अब इसमें मैंने 1 चम्मच हल्दी और ये कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, और धनिया पाउडर डाला है, और स्वाद अनुसार आप नमक डाल दीजिए। बस यही मसाले हैं इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं है, गरम मसाला डाल देंगे। अब इसको भी देखिए, जब तक कि ये ऑयल छोड़ने नहीं लगे साइड में से, जब तक पकाना है इसको हमें। ये देखिए, अब मेरे पास ये थोड़ी फ्रोजन मटर थी, इसको भी डाल दूंगी मैं इसमें इस तरह से। इसको ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं रहती, वैसे ही गली गली सी रहती है। तो ये देखिए, अब हमारी सब्जी 90% पक चुकी। तो अभी जो हमने मसाला तैयार किया था ये इसमें डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे हम आराम से। ये लिपटी सी अच्छी लगती है ये सब्जी। आप चाहो तो इसमें पनीर भी डाल सकते हो, बहुत ही टेस्टी बनती है, आप जरूर ट्राई करना ये। ये देखिए, हमारे कोई भी पीस ऐसा नहीं कि ओवर कुक हुए हैं, कितनी अच्छी बनी है।